फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक क्रिस्पी टेस्टी स्टार्टर जो है कॉर्न की भजिया। और हम इसे दो तरीके में बनाएंगे, एक तो हम नॉर्मली डीप फ्राई करेंगे एंड दूसरा नॉन फ्राइड एक वर्जन भी दिखाऊंगी मैं आज। तो ये बारिश में एक फ्राइड एंड सुपर्ब स्वीट कॉर्न का रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे एंड इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड शेयर करना ना भूलना। वेलकम टू साइलीज किचन एंड प्लीज़ मेरा अमेजोन स्टोर फ्रंट भी चेक कीजिए। तो यहाँ पे मैं सादा कॉर्न ले रही हूँ, अगर आपके पास छीला हुआ कॉर्न है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आज मैं कॉर्न को दो तरीके से छीलना आपको दिखा देती हूँ। इसमें हमें एग्जैक्ट पूरे कॉर्न की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी इसे छील के रख सकते हो या फिर सीधा हम इसे कट करके ले लेंगे। ये इजीली हो जाएगा एंड ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। या फिर आप मार्केट से सीधा छिले हुए कॉर्न भी ला सकते हो। उसके बाद हम स्वीट कॉर्न को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करके लेंगे। आपको जब भी ये स्वीट कॉर्न भजी बनाना है तभी आपने इसे क्रश करना चाहिए। आप इसे पहले क्रश करके नहीं रख सकते हो, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी छूट जाता है। सो इसे हमें कोरस ही रखना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसमें थोड़े बहुत बड़े दाने भी रह सकते हैं जो अच्छे लगेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून हम इसमें ग्राम फ्लार यानी चने का आटा जिसे हम बेसन कहते हैं वो ऐड करेंगे एंड 1 टेबलस्पून हम इसमें थोड़ा और ज़्यादा क्रंचीनेस आने के लिए राइस आटा इसमें ऐड करेंगे। फिर 1.5 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपकी मिर्च तीखी है तो आप कम भी डाल सकते हो। 1/2 स्पून धना पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी, 1/4 स्पून हमने इसमें गरम मसाला डालेंगे, सॉल्ट स्वाद अनुसार, हल्की सी शुगर एंड इसमें हम फ्रेशनेस के लिए अच्छे अमाउंट में कोरिएंडर भी डालेंगे। फाइनली चॉप कोरिएंडर इसमें हम ऐड कर देंगे एंड फाइनली चॉप्ड करी लीव्स, अगर आपके पास करी लीव्स पाउडर हो तो वो डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा कलर डार्क कर देता है भजी का। इन दोनों को हम इस मिक्सर में ऐड कर देंगे, कोरिएंडर एंड करी लीव्स, चॉप्ड करी लीव्स को, एंड इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसका मॉइस्चर मुझे अभी भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, तो जितना भी ज़्यादा मॉइस्चर है ब्रेड अच्छे से अब्सॉर्ब करके लेगा। इसका मॉइस्चर का लेवल परफेक्ट रहना चाहिए, अगर ज़रा सा भी ज़्यादा होगा तो ये तेल में फट जाएगा एंड अगर कम रहेगा तो ड्राइनेस लगेगा ये भजी में हमें। ये मॉइस्चर यहाँ पे मेरा परफेक्ट हो चुका है एंड इसे हम दोनों तरफ से तल के लेंगे। इसे हमें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तलना है। ये बन गया हमारा डीप फ्राइड सुपर यम्मी स्वीट कॉर्न भजी रेडी। बहुत टेस्टी एंड बहुत फटाफट बन भी जाता है ये। एंड अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपको मैं नॉन फ्राइड वर्जन दिखा देती हूँ। तो हम अपे पैन लेंगे एंड उसे अच्छे से ग्रीस करके लेंगे एंड इसमें आपको एक ध्यान देना है, इसे बहुत ही धीमी आंच पे एक तो कुक करना है एंड दूसरा मतलब इसमें मॉइस्चर और भी ज़्यादा कम रहना चाहिए एंड इसमें थोड़ा थोड़ा सा बटर मैं ऊपर से डाल रही हूँ, अच्छा टेस्ट देता है एंड इसे हमें स्लाइटली ब्राउन से थोड़ा डार्कर शेड कुक करना है, थोड़ा सा, जैसे कि ये, तो इसमें क्रिस्पीनेस अच्छे से आएगा वरना ये कुछ कच्चा कच्चा सा ही आपको लगेगा एंड ये फटाफट से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दोनों साइड से इसे कुक कर लेना एंड इसे गरम गरम ही सर्व करना, नहीं तो इसमें ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं रहेगा। ये बन गया हमारा नॉन फ्राइड वर्जन रेडी। तो चलो इसके टेस्ट रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। इसमें एक
बहुत अच्छा क्रंच है फ्राइड वाले इसमें, नॉन फ्राइड में हल्का सा कम क्रंच है। एंड इसे हम जैसे ही खाते हैं तो स्वीटनेस का एक बॉम्ब फूटता है एंड थोड़ी देर में थोड़ा सा तीखा लगना चालू हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ये रेसिपी आपने पक्का ट्राई करनी चाहिए इस मॉनसून सीजन एंड में। एंड मेरा अमेज़न स्टोर फ्रंट भी चेक कीजिए, तो आपको मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ किचन में, वो लिस्टेड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आपको अगर बाय करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।